खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने थाना पुलिस पर हत्या का लगाया आरोप। मृतक गौतम के परिजनों के अनुसार देर रात्रि 12 बजे के करीब पुलिस ने घर में दबिश देकर युवक को पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने गौतम की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। 30 वर्षीय युवक गौतम की मौत हो जाने के बाद पुलिसकर्मी शव फेंक कर मौके से भाग गए। परिजनों ने थाना मैरापुर व चौकी अचरा के पुलिसकर्मियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजन गांव से नहीं उठने दे रहे थे शव, डीएम को मौके पर बुलाने की कर रहे थे मांग। युवक की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। थाना मैरापुर क्षेत्र के गाँव बरहमपुर का है मामला। कहाँ रहते हो? अच्छा, ये कौन है जो इनकी मौत हुई? भाई है। क्या नाम इनका? गौतम सिंह। अच्छा, क्या मामला है पूरा है? क्या मामला क्या है? ये घर लेटे थे, हम भी लेटे थे, और हम छत पे थे, ये नीचे थे। पुलिस हमारे घर पे गई और इन्हें पकड़ के ले आई। कौन थाने पुलिस थी? थाना मीरापुर चौकी अचरा। टाइम क्या था? टाइम 12:30 था, 1 के बीच का टाइम था। और हमारे जाके हमने माने, हमें ऊपर सो रहे थे, हमें उठाया जाके, हमारी माँ ने कही कि बेटा पुलिस आ गई, तेरे भाई को पकड़ के ले गई। क्या 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 था इनके ऊपर केस? क्या था इनके ऊपर केस? कुछ भी नहीं है, कोई केस नहीं, एक कोई भी केस नहीं है, एक भी नहीं है। फिर क्यों आई? पहले केस, कुछ भी केस नहीं है, और वैसे केस सब फारिग चल रहे हैं, कोई केस वेस्ट इन पर है नहीं। और हमारे घर पर गई, भाई ने उठा लाया, हमारी माँ ने हमारे जाके बताया किला, तो भैया पुलिस पकड़ के लगी। हम इनके पीछे पीछे, पर हमने बूजी किधर गई या किधर ही गई, हम इनके पीछे पीछे आए, तो यहाँ आके देखा कि जितने पुलिस वाले थे डिपार्टमेंट के, 10 थे, 8-10 जो थे पुलिस वाले, वे इन्हें यहाँ मार रहे थे। और हमने वहाँ देखा और वे हमें आने नहीं दे रहे थे, एक ने हमें वहाँ रोक रखा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, वे मार के और भग के, मार के और छोड़ के चले गए। हमने आया और आके यहाँ पर देखा कि बीच गिरा था, और मैंने उठाया, हमने देखा कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों के पीछे गया मैं, भग के वहाँ तक, उन्होंने उससे मुझे धमकी दी, चल तुझको भी बंद करेंगे, चल के। और मैं फिर मुझे वहाँ की जाग ऐसे नंगे पैर भग रहा था, और नंगे पैर ठेबे लग गई हमारे, वहाँ गिर गया, और भी मुझे उठाया नहीं उन्होंने, और भी भग के ऐसे चले गए। फिर हम पीछे इनके पहुँचे, फिर हम वहाँ पहुँचे, भग के जहाँ गाड़ी उन्होंने खड़ी कर रखी थी, फिर वहाँ तक जब तक पहुँचे हम पैदल, जब तक भी हमसे आगे निकल गए। आपके भाई पर कुछ तो मुकदमा होगा, ऐसे कैसे पुलिस आ सकती है? कुछ भी मुकदमा नहीं है, कोई पहले भी कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। फिर क्यों आई पुलिस? अब ये तो पता नहीं है। कोई भी मिल जाए पैसे के लिए, ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, पकड़ ले जाते हैं। पैसे क्यों ले लेते हैं भाई? कोई ऐसा काम है कि पैसे क्यों ले लेते? काम क्या उनका, डेली का काम है उनका। अभी इसमें किसी को पकड़ लिया, लेकर चले गए, बस पैसे दिए, सुबह बिना बजे शाम को बच्चों को। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।